हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो गाइस, इस क्लास में हम क्लीन प्लस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम क्लास 4 में हम क्लीन स्टार हमने स्टडी किया था। तो क्लीन स्टार में क्या था कि आपका जो लैम्डा है वो यूज होता है, जैसे आपका सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार में आपका लैम्डा, जैसे ए स्ट्रिंग है, ए डबल ए स्क्वायर ए ट्रिपल, इस तरह से। और क्लीन प्लस में क्या है गाइस कि हम लैम्डा को एक्सक्लूड करते, मतलब हम लैम्डा को नहीं काउंट करते हैं इसमें। बस सेम यही डिफरेंस है आपका। डेफिनेशन, द सेट सिग्मा प्लस इज द इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ ओवर सिग्मा एक्सक्लूडिंग लैम्डा। सभी आपके पॉसिबल स्ट्रिंग को आपको कवर करता है सिग्मा प्लस, लेकिन लैम्डा को कवर नहीं करता है। ओके, देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप? सिग्मा प्लस इक्वल टू इन सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3 यूनियन, मतलब इन सभी को आप प्लस कर देते हो। ओके, सिग्मा प्लस क्या होता है आपका? सिग्मा स्टार माइनस में लैम्डा को माइनस कर दो तो आपका सिग्मा प्लस निकल के आ जाता है। ओके, एग्जांपल, जैसे मैंने सिग्मा एक्सट्रीम ली ए बी की, और सिग्मा प्लस हमारा ए बी है, क्या निकल के आएगा इन दोनों से? ए और बी, ए ए बी बी और बी ए बी बी, लैम्डा नहीं है ना इसमें, देखो। ओके, इसमें लैम्डा आपका एक्सक्लूड होगा। क्लीन प्लस प्रॉपर्टी क्लोजर, इसको पॉजिटिव क्लोजर भी बोलते हैं हम। सिग्मा प्लस द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट बाय द यूजिंग द सिंबल ऑफ सिग्मा एक्सक्लूडिंग स्ट्रिंग लैम्डा। ऑब्जर्वेशन देखो, इस स्टार में से आप सिग्मा स्टार में से आप माइनस करोगे सिग्मा प्लस को तो आपको लैम्डा मिलेगा, और सिग्मा स्टार माइनस में लैम्डा करोगे तो आपको सिग्मा प्लस मिलेगा। ओके, सिग्मा प्लस यूनियन लैम्डा करोगे तो आपको, यूनियन का मतलब आपका यहाँ पर पीओसी में प्लस साइन होता है, तो सिग्मा स्टार मिलेगा। सिग्मा स्टार यूनियन लैम्डा करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको सिग्मा स्टार मिलेगा। ओके, देन सिग्मा, मैंने एक ए स्ट्रिंग ली है, अब इसको सिग्मा प्लस मैंने निकाल के देखती हूँ, ए प्लस को क्या प्रॉपर क्या निकल के आएगी हमारी लैंग्वेज? ए डबल ए ट्रिपल ए, ऐसे आपकी ए 2 ए 3 ए 4 ए 5, इस तरह से निकल के भी चली जाएगी। ए से जितनी पॉसिबल स्ट्रीम होगी वो आपकी निकलेंगी। देन ए पावर ऑफ एन, आप बोलते हैं ए की पावर स्क्वेयर, तो आप यहाँ पर ए देन पावर एन राइट करोगे। ओके, एन ग्रेटर देन 0, एन जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो आपका लैम्डा होगा। सिग्मा 0 1 आपने लिया, तो इसकी प्रॉपर्टी आप सिग्मा प्लस आप निकालोगे तो यहाँ से आपका सिग्मा, आपने 0 लिया 1 लिया, प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 ये इक्वल होता है, ये प्लस आपका यहाँ ऊपर आएगा जैसे स्क्वायर में आता है इस तरह से। तो 0 1 0 0 1 0, इससे मतलब जितनी पॉसिबल स्ट्रीम होगी वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 आप निकाल सकते हो। तो ए की पावर टू से मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई, ए की पावर टू मल्टीप्लाई में 2 4, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 6, इस तरह से निकलेगा। देन ए प्लस की स्ट्रिंग आपकी ए की पावर एन निकलेगी, बी प्लस की स्ट्रिंग आपकी बी की पावर एन निकलेगी। ए प्लस बी प्लस मतलब ए की पावर एम है, बी की पावर एन है, तो से आपका कॉम्बिनेशन निकल के आ जाते हैं गाइस। ए प्लस बी प्लस इन दोनों की प्रॉपर्टी से मिलकर इन हम ए बी ए डबल बी डबल ए बी, इस तरह से हम स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ए प्लस मैंने आपको बताया, ए की पावर जो भी होगी उस फॉर्म में निकलेगी, बी प्लस बी की पावर जो भी होगी उस फॉर्म में आपकी इस तरह से स्ट्रिंग निकल के आ जाएगी। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये नॉट इक्वल होता है बी, अगर हम ए प्लस बी प्लस है। ओके, तो ये नॉट इक्वल होता है बी प्लस ए प्लस, नॉट इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस, तो ये आपके इक्वल नहीं होते हैं दोनों दोनों, क्योंकि ए बी ये क्या है, हम ए बी से मिला के कोई स्ट्रिंग बनाएंगे, या बी ए है तो बी ए से बना के कोई स्ट्रिंग बनाएंगे, तो ये जब हम इनसे लैंग्वेज जनरेट करेंगे तो हमारी वो लैंग्वेज हमारी इक्वल नहीं आएगी। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। क्लीन प्लस अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से इजी वे में आपकी आपके लिए एक वीडियो बना सकती हूँ। अगर सभी को समझ में आया
आया है हम कि क्लीन प्लस प्रॉपर्टी होती क्या टीओसी में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।